हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरेंद्र, वेलकम टू expertdemo.com। और आज हम आपके लिए एक मल्टी स्टिच सिलाई मशीन का वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन लेकर के आए हैं। ये कोई ऐसी वैसी सिलाई मशीन नहीं है, ये एक मल्टी स्टिच सिलाई मशीन है। और मल्टी स्टिच सिलाई मशीन का मतलब कि ना केवल इसमें आप हल्के पुल्के कपड़े के रिपेयर वर्क को कर सकते हैं, बल्कि डिफरेंट पैटर्न की सिलाई को कर सकते हैं, जो कि आपको डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी काम आएगी और अलग अलग तरीके के कपड़ों में भी आप सिलाई को कर सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। बहुत ही लाइट वेट मशीन है, बहुत ही पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको घर में रख सकते हैं आसानी से और इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके साइड में देख लें तो ये व्हील दिया गया है, इसके नीचे अगर हम देखें तो एक ट्रे कंपार्टमेंट दिया गया है। इस ट्रे कंपार्टमेंट में आप स्टिचिंग से रिलेटेड सामान रख सकते हैं। बॉबिन को रिफिल करना भी बहुत ही आसान है। खाली बॉबिन को इस तरह से आप थोड़ा सा धागा लपेट के इस स्पिंडल में लगा दीजिए और इसके बाद स्पिंडल को लॉक करने के बाद मशीन को चला दीजिए, तो आसानी से चंद सेकंड में बॉबिन जो है वो रिफिल हो जाएगी मेन थ्रेड से। इसके बाद आप बॉबिन को निकालने के लिए हल्का सा लेफ्ट साइड पुश करेंगे और बॉबिन को बाहर निकाल लेंगे तो आपको पूरी तरह से थ्रेड फिल्ड बॉबिन मिल जाएगी। इसमें दिए गए मल्टीपल स्टिचिंग पैटर्न्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्शन डायल को एरो के सामने सेट करना होगा। जिस भी नंबर के पैटर्न को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे आपको एरो के सामने सेट करना होगा। तो इस तरीके से 7 नंबर को एरो के सामने सेट करेंगे तो हम 7 नंबर की स्टिचिंग पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। जब कभी सिलाई ठीक से नहीं होती है, ऊपर का धागा लूज आता है, तो इस डायल की मदद से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ डायल को घुमाएंगे तो हम सिलाई के ऊपर वाले धागे को और ढीला कर सकते हैं और अगर नीचे की तरफ घुमाएंगे तो उसे हम टाइट कर सकते हैं, जिससे कि सिलाई ठीक से होने लगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस मल्टी स्टिच सिलाई मशीन को फर्स्ट टाइम यूज के लिए कैसे तैयार करना है, कैसे रेडी करना है। सबसे पहले थ्रेड व्हील को हम इस जगह पर अच्छे से फिक्स कर देंगे, ऊपर से इसका जो कवर है उसे लॉक कर देंगे। अब इस थ्रेड को 6 स्टेज की मदद से आसानी से हम निडल तक लेके जा सकते हैं। इस तरीके से हमें फॉलो करना है धागे को, यहाँ से फिर वापस ऊपर लेके जाना है जो स्टेज 2 है। इसके बाद ऊपर ये जो मेटल का लीवर है इसके अंदर से धागे को पास करके स्टेज 3 से लेके जाना है। इसके बाद वापस इस जगह से हमें धागे को बिल्कुल नीचे लेके जाना है जो कि स्टेज 4 है। इसके बाद स्टेज 5 में हमें नीचे दिए गए मेटल लूप से धागे को पास करना है और फिर हम निडल से धागे को पास कर सकते हैं। तो अब थ्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम थ्रेड व्हील को इस जगह पर अच्छे से लॉक करके लगा देंगे। अब फर्स्ट स्टेज में हम इस जगह से थ्रेड को पास करेंगे। स्टेज 2 में हम दिए गए स्पेस से थ्रेड को नीचे लेके जाएंगे और यहां से इसको वापस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। स्टेज 3 में ये मेटल के लूप से थ्रेड को बाहर निकालेंगे, मेटल के लीवर से थ्रेड को बाहर निकालेंगे और फिर हम वापस थ्रेड को नीचे लेके जाएंगे जो कि स्टेज 4 है। इसके बाद स्टेज 5 में मशीन की निडल के जस्ट ऊपर एक मेटल का लूप दिया गया है, इस लूप से हमें थ्रेड को पास करना है। तो हम अपने हाथ से ही धागे को पकड़ के इस मेटल के लूप से थ्रेड को पास कर सकते हैं। इस तरीके से थ्रेड मेटल के लूप से बाहर आ गया
और इसमें हमें ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ धागे को लेके आना है। एक बार थ्रेड इस तरीके से पास हो गई तो अब हम निडल से धागे को पास कर सकते हैं, और निडल में धागा डालने के लिए हमें एक थ्रेडिंग टूल दिया गया है। इस थ्रेडिंग टूल की मदद से हम धागे को निडल से पास करेंगे। तो ये ध्यान में रखें, निडल में धागा डालते समय धागे को बाहर के साइड से पीछे के साइड निडल में लेके जाना है। तो थ्रेडिंग टूल की मदद से हम इस तरीके से थ्रेड को निडल से पास कर सकते हैं। अब हम पैडल के नीचे से धागे को पीछे के साइड निकाल लेंगे। इसके बाद बॉबिन लगाना भी बहुत ही आसान है। बॉबिन को हमने इस तरीके से ले लिया, धागे को थोड़ा सा निकला हुआ रहने देंगे। बॉबिन कवर को निकाल के बॉबिन को हम धीरे से उसकी जगह पर प्लेस कर देंगे, और जो धागा रहेगा उसको थोड़ा सा निकला रहने देंगे। इसके बाद पैडल को नीचे कर देंगे और मशीन को एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे। एक बार निडल नीचे जाएगी और फिर ऊपर आएगी तब वहां पर रोक देंगे, और फिर पैडल को ऊपर उठा के सुई वाले धागे को हम खींचेंगे तो बॉबिन वाला धागा उसके साथ ही बाहर आ जाएगा। दोनों धागों को क्रॉस करके पीछे के साइड आप निकाल दीजिए और फिर पैडल को नीचे कर दीजिए। इस तरीके से आपकी थ्रेडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आप मशीन से सिलाई करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दी जाती है मशीन, अब इसे पावर से कनेक्ट करेंगे या फिर अगर आप बैटरी से चलाना चाहते हैं तो बैटरी के कंपार्टमेंट में आप 4 AA सेल्स को लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से ओपन किया और 4 AA सेल्स यहाँ पर लगा देंगे आप, और इसके बाद इसको आप बिना पावर से कनेक्ट किए हुए चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको पावर से कनेक्ट करना है तो आपके पास एक पावर अडैप्टर दिया है जिसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इसको लगा देंगे, ये पावर का पॉइंट दिया है, यहाँ पे हमने पावर अडैप्टर को कनेक्ट कर दिया है। फुट पैडल भी आपको दिया जाता है तो फुट पैडल भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हाथ से चलाना है मशीन तो हाथ से चला सकते हैं, अदरवाइज फुट पैनल की मदद से चला सकते हैं। तो फुट पैडल को भी हमने फुट पैडल का जो सॉकेट दिया है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से मशीन जो है वो कनेक्ट हो चुकी है पावर से और फुट पैडल से। अब आइए स्टिचिंग करके देखते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए एक बार आपकी थ्रेडिंग हो गई कंप्लीट, बॉबिन लग गई, थ्रेड बाहर आ गई इस तरीके से, अब इसके बाद आप स्टिचिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक ले लिया, कपड़ा ले लिया, और इसको लगाने के लिए आपको इस तरीके से लीवर को ऊपर उठाना है, जिसका पैडल है उसको ऊपर उठा लेना है, और क्लोथ को सेट कर लीजिए। क्लोथ को एक बार आपने सेट कर लिया, इसके बाद किस तरह की स्टिचिंग आपको करनी है, तो ये 12 जो पैटर्न दिए गए हैं इन 12 पैटर्न से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी तरह की आपको स्टिचिंग करनी है। तो 2 को सिलेक्ट करने के लिए ये जो डायल दिया गया है इसमें 2 नंबर को सिलेक्ट करना है, एरो के सामने लेके आना है। तो हमने इस तरीके से 2 को सिलेक्ट किया और जो एरो के सामने आ गया, इसका मतलब जो 2 नंबर वाला पैटर्न है वो स्टिच होगा। तो आइए देखते हैं इसको स्टिच करके। तो हमने पावर से भी कनेक्ट कर लिया है इसको, तो अब हम कनेक्शन के बाद इसको 2 तरीके से चला सकते हैं। एक तो जो ये बटन दिया गया है इसको हाई या लो पर करके इसको मशीन को चला सकते हैं, या फिर हम पैडल की मदद से चला सकते हैं। तो पैडल की मदद से अगर हमें चलाना है तो इसको हमें प्रेस करके रखना होगा, और हाई और लो को हम एक बार हम जैसे ही ऑन कर देंगे तो ये अपनी जगह पर ऑन रहेगा। तो हम पहले बटन की मदद से चला लेते हैं। और इसके बाद हम जो बटन है हमारा उसमें हम हाई स्पीड सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। बंद करना है तो इससे हम बंद कर सकते हैं इस तरीके से।
तो ये तो हो गया कि हम बटन की मदद से कितने आसानी से हम स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टिचिंग हो गई है हमारी बड़े आसानी से, और जो ये एक्स्ट्रा धागा आया है इसको भी हम आसानी से जो थ्रेड कटर है उसकी मदद से हम काट सकते हैं। इसमें बेहतर सिलाई करने के लिए स्टिचिंग लैम्प भी दिया गया है, और इस लैम्प की मदद से आप आसानी से कम रोशनी में भी सिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिवर्स स्टिचिंग का बटन भी दिया गया है, इस लीवर को आप नीचे करेंगे तो मशीन रिवर्स स्टिचिंग करने लगेगी। तो आप इसकी मदद से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं।